टूट गई गठबंधन क्या होता कांग्रेस का, क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए, हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। चरण जाते भक्त को न रही है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो कब बिहार आ रहे हैं। ऐसे में जब आज तेजस्वी यादव ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया कि लालू प्रसाद यादव आज शाम पटना आने वाले हैं, तो अब हम जो आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो ये कि लालू प्रसाद यादव अपने आवास से निकल चुके हैं। दिल्ली में जिस आवास पे वो रहते थे वहां से रवाना हो चुके हैं पटना आने के लिए, और आज शाम तक वो पटना में होंगे। ऐसे में जब मीडिया उनसे मुखातिब हुई और उनसे कुछ सवाल किया तो उन्होंने पहले क्या जवाब दिया, आप वो सुनिए। सर, आज आप लंबे अंतराल बाद पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं सर? हाँ, बहुत लंबे अरसे से हम पटना में नहीं थे, हम पटना जा रहे हैं और वहाँ चुनाव भी है, बाई इलेक्शन तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में। कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। अभी तो डॉक्टर साहब से उन्होंने छुट्टी दिया है, एक महीना का दवा लेके फिर आने का आना है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। सर, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता कांग्रेस का, क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए, हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास भक्त को न रही है उसको कुछ पता है? आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन आगे भी रहेगा। ये लोग बात कर रहे हैं कि आप उपचुनाव में प्रचार नहीं कर सकते हैं, हेल्थ ग्राउंड पे आपको जमानत मिली है। गलत बोलता है वो, कोई उस आधार पर नहीं मिला है। आप सेंटेंस काटने के बाद में एक अंतिम सवाल ये है सर कि आप पटना जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके पार्टी और परिवार में कोई नाराजगी नजर आ रही है सर, क्या लालू यादव इसीलिए पटना जा रहे हैं? क्या कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। तेज और तेजस्वी में सब कुछ ठीक है, दोनों हमारे बेटे हैं जी। प्रताप यादव सर, आज पाकिस्तान का मैच है, राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तरीके से लालू प्रसाद यादव यहां आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहां तो चुनाव होने वाले हैं, बिहार विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो राजद की तैयारियां हैं उसको मजबूती देने के लिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं। ऐसे में जब महागठबंधन पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि महागठबंधन कौन सा जो जमानत जब्त करवा ले, क्या हारने के लिए हम उनका साथ देते? और साथ ही जब बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बातों पर उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब बहुत ही तीखे अंदाज में दिया। उन्होंने भक्त चरण दास को भक्त चरण दास तक कह दिया और इतना कहते ही वो वहां से चले गए। आप एक बार फिर से सुनिए कि उन्होंने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को क्या कहा है। चरण दास भक्त को न रही है उसको कुछ पता है? कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास को भक्तचरण दास कह रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार आने से पहले ही एक ऐसा बयान दे चुके हैं जो राजनीति में खलबली मचा रही है। अब वो बिहार आकर नया कुछ क्या करने वाले हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। गठबंधन क्या होता कांग्रेस का, क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। चरण जाते भक्त को न रही है।